प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेला जल विहार का भव्य शुभारंभ हो गया। इस मौके पर विधायक ललिता यादव मौजूद रहीं। उन्होंने छतरपुर के मेला जल विहार का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि इस मेले में विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं के कार्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। मेले का आयोजन धनतेरस तक किया जाता है, हालांकि उसके बाद भी मेले की कुछ दुकानें संचालित होती रहती हैं। यहां पर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश और बाहर के लोग आकर अपनी दुकानें, झूले आदि संचालित करते हैं। छतरपुर वासियों के लिए इस मेले का वर्ष भर से इंतजार रहता है। इस मौके पर छतरपुर विधायक ललिता यादव ने कहा कि हर वर्ष की परंपरा के अनुसार इस मेले का शुभारंभ किया गया है। मेले का लोगों को वर्ष भर इंतजार रहता है और लोग मेले का भरपूर आनंद उठाते हैं। किस तरह से आज शुभारंभ किया गया? छतरपुर महाराज छत्रसाल की नगरी में मेला जल विहार जो लगता है हर वर्ष की भांति, इस वर्ष मेले का शुभारंभ किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, इस मेले में उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से कई जिलों के लोग आते हैं और कई जिले के बाहर भी, प्रदेश के बाहर भी व्यापारी आते हैं, झूले लगाते हैं, अन्य प्रकार की चीज़ें लगाते हैं। इस मेले में हमारे जो बुंदेलखंड की परंपरा है, नगर पालिका में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए होते हैं। सैकड़ों वर्ष की परंपरा को आज हमने निर्वहन किया है और मेले का शुभारंभ किया है। कहेंगे भाई, जब मेला इस बार लगाया गया है, आने वाली दीपावली की सभी लोगों को, देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेला हम लोगों की, पूर्वजों की पहचान है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर एक साथ त्यौहार मनाते हैं दीपावली का। प्रभु राम ये अन्याय से न्याय की जीत के प्रति जीतने के बाद अपने घर आते हैं, उस उपलक्ष्य में ये दीपावली मनाई जाती है। और मैं आज छतरपुर के निवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार आप चढ़ बढ़ कर यहाँ पर आइएगा और यहाँ के दुकानदारों से ज़्यादा सामग्री खरीदें, जिससे इनको लगना चाहिए कि हम छतरपुर में आए हैं। तो यहाँ हमको माँ लक्ष्मी ने बहुत कृपा करके यहाँ पे इनको धन धान करके भेजा हुआ है। ये निश्चित रूप से छतरपुर की जनता के द्वारा ही हो सकता है। उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है।